नमस्कार दोस्तों, सिरी बुटीक में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक कुर्ती का डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये जो हम डिजाइन तैयार करेंगे यहाँ पे गोटा पट्टी और लेस के साथ में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम मटेरियल जान लेते हैं। ये हमने गोटा पट्टी ली हुई है, ये बहुत ही बारीक वाली होगी, बहुत ही प्यारी सी ये लगती है और इसको आज हम लगाने का तरीका भी बहुत ही अलग सा आपको बताने वाले हैं। और ये हमने दो धागे लिए हुए हैं, एक हमें गोल्डन ही चाहिए यहाँ पे और एक हमें सेम कमीज वाला चाहिए। एक हमने ली हुई है लेस, लेस भी हमारी ये 5 रुपए मीटर वाली है, बहुत प्यारी सी लेस है। और एक हमने लिया हुआ है यहाँ पे पैच वर्क के लिए, फैब्रिक जो लिया है वो सेम लेना है। इसकी जो लेंथ होनी चाहिए हमारी 14x14 की होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 15x15 लिया है। 15 इधर से होगा और 15 इधर से होगा ये। और इसी के साथ की हमने पेपर फ्यूज ली हुई है, ये पेपर फ्यूज है जो कि हमें कपड़े के ऊपर पेस्ट करनी होती है, ये सेम साइज की है। और नेक लाइन के लिए हमने यहाँ पे ये ली हुई है बुकरम, जिसमें से हमें नेक लाइन कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम नेक लाइन ही यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। जो हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है वो रखनी है यहाँ पे 7 इंच, तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे और इस निशान को लगा देंगे सीधा। और यहां से जो डीप लेंथ रखनी है वो रखनी है हमें 8.5 इंच। और यहीं से हमें सेब डालनी है, तो हमें यहां से तो गोलाई वाली सेब डालनी है इस तरीके से, और यहां से हम लेकर के चलेंगे ऐसे, जैसे कुर्तों में होती है वो वाली हमें यहां पे सेब डालनी है। तो इसी निशान के ऊपर हम यहां पे कटिंग कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई भी दूसरी डिजाइनिंग वाली सेप डालना चाहते हो नेक में, वो भी कर सकते हो, ये आप आपकी इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है। जैसा आप नेक लाइन चाहते हो वैसा आप यहाँ पे बना सकते हो। बाहर की साइड 0.5 से 1.25 पे मार्जिन पे निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी यहां पे नेक लाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके से ऐसे। अब हमें एक काम करना है, यहां पे जो हमारे पास पेपर फ्यूज और ये फैब्रिक है इसको हम चिपका लेते हैं इसी कपड़े के ऊपर। तो पेपर पेस्टिंग जो है वो हमने यहां पे पेस्ट कर ली है। अब हमें इसमें निशान लगाने हैं, और जो हम निशान लगाएंगे यहां पे इस तरीके से सीधा रखेंगे इसको, और उसके बाद हमें क्रॉस में यहाँ पे निशान लगाने हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये निशान लगाए हैं तो हम दोनों साइड में ऐसे निशान लगा देंगे। अब हमें गैप रखना है, गैप आप कम ज्यादा कोई भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो हम यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 इंच का गैप रखेंगे इतना गैप रख के, फिर हम यहाँ पे 1.25 इंच का गैप रखते हुए ये निशान लगा लेंगे। फिर से हम 2.5 इंच का गैप रखेंगे, ये देखिए हमने यहां पे ये 1.25 इंच का गैप वाला निशान है, फिर हमने 2.5 इंच लिया है, फिर 1.25 इंच के गैप से निशान लगाया है। इसी तरीके से हमें गोटे का काम करना है, तो अब हम मशीन के ऊपर चलेंगे और इसके ऊपर गोटे का काम करेंगे। तो मशीन पे हम आ चुके हैं, अब हमें इन निशानों के ऊपर पहले ये गोटे का काम करना है। तो एक एक पट्टी हम लेते जाएंगे यहाँ पे और इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और ये बहुत ही बारीक वाला गोटा है, बहुत ही सुंदर लगता है ये। अब हम दूसरे निशान के ऊपर ऐसे रखेंगे और यहां पे लगाएंगे सिलाई।
अब हम दोनों गोटों के बीचों बीच यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी गोटे का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे तीन लाइन बन जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पे तीन गोटे का काम किया है, इसी प्रकार से हम इस साइड भी और इस साइड भी, जैसे जितना भी गैप होता है, एक दो तीन चार, चार लाइनें हैं हमारी चारों में, इसी तरीके से हम तीन तीन लाइन का काम कंप्लीट कर लेंगे। तरीका सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे काम कंप्लीट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गोटे का काम यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट और तीन तीन लाइन लगाई है हमने हल्का हल्का यहाँ पे गैप देते हुए 2.5 इंच का। अब हमें इसको रॉन्ग साइड ऐसे कर लेना है क्योंकि इसमें भी हमें यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है। तो डिजाइनिंग कैसे डालते हैं, यहाँ पे हम स्केल रखेंगे और फिर से यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये भी हम दोनों साइड में लगाएंगे ऐसे ऐसे। अब हम इसके बाद फिर से 2.5 इंच का गैप रखेंगे यहाँ पे, ये हमने 2.5 इंच का गैप फिर से ले लेना है और यहाँ पे भी ऐसे ही सेम निशान लगा लेने हैं। तो 2.5-2.5 इंच का गैप देते हुए हमने यहाँ पे भी निशान लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे भी पिनटैच डालने हैं, जैसे इस साइड तो हमने लगाया गोटे का काम, अब हम रोंग साइड में यहाँ पे डालेंगे पिनटैक्स। तो पिनटैक्स डालने के बाद आप देखोगे गोटे की डिजाइनिंग हमारी बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे, दूसरी जो लाइन होगी इसके ऊपर यहां पे, और दोनों लाइनों के बीच में हमें यहां पे ऐसे गोटे का काम करना है। आप यहां पे देख लें या निशान लगा लें। तो सीधी साइड देखेंगे हमारी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी प्यारी सी डिजाइनिंग आई है। तो ऐसे ही हम हर निशान के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हर निशान के ऊपर लगा ली है सिलाई और निशान के बीच का जो गैप है उसमें भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो हमारी सीधी साइड की जो डिजाइनिंग आएगी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो देखिये कितनी प्यारी सी यहाँ पे हमारी डिजाइनिंग आई है, बहुत ही सुंदर सी। यहाँ पे जहां पे भी हमारी सिलाई आएगी वहां पे ये जो गोटा है आगे पीछे हो जाता है, तो उसकी ग्रेस बहुत ही ज्यादा आती है। और पिनटैक्स हमने नीचे की साइड डाले हैं जिससे कि ये डिजाइनिंग हमारी बनके तैयार आई है। अब एक साइड में जितना हमने यहाँ पे गैप लिया था इसको हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहां से जितना इधर है हमारा ये है 1 इंच, तो इधर भी हम 1 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा यहाँ पे काट देंगे ताकि हमारा पैच बिल्कुल बराबर रहे। अब हमें ये हिस्सा तो हमारा इस तरीके से आएगा फ्रंट में, तो एक साइड में हमें यहाँ पे गोलाई डालनी है। तो जो नीचे की साइड होगी इसमें डालेंगे हम गोलाई, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद यहाँ पे लगा लेंगे निशान गोलाई वाले। ये पैच नीचे से रहेगा हमारा गोल ऐसे और इन निशानों के ऊपर कर लेंगे यहाँ पे कटिंग। गोलाई में हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो पैच हमारा तैयार निकल के आएगा ये इस साइड से आएगा 15 इंच और इस साइड से आएगा हमारा ये 13 इंच।
तो इसमें अब लगानी है हमें लेस। तो ये हमारे पास लेस है, बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी जो मैंने बताई थी 5 रुपए मीटर वाली लेस है। इसको यहाँ पे हम एक साइड में ऐसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लेस लगा ली है। अब इस लेस को हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। जब हम ये फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे बाहर की साइड हमारी इस तरीके से लेस नजर आएगी और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने प्रेस से पैच को कर लिया है अच्छे से सेट और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे हमारी सेव आई है पैच वर्क की। और यहाँ पे जो उल्टी साइड में होगा, अब हमें यहाँ पे नेक लाइन ये पेस्ट कर लेनी है। तो जो नेक लाइन हम यहाँ पे दोनों साइड सेंटर का ध्यान रखते हुए दोनों साइड का बराबर गैप रखेंगे और यहाँ पे इस नेक लाइन को पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नेक लाइन यहाँ पे कर ली है पेस्ट। अब हमारा ये पैच तैयार हो जाता है। तो ये सिर्फ हमें फ्रंट में पलटना है। तो फ्रंट को हम जो रॉन्ग साइड होती है उल्टी साइड, वो ऊपर की साइड रखेंगे और सीधी साइड रखेंगे नीचे की साइड, तभी हमारा ये पैच यहाँ पे पलटा जाएगा पूरा। और सेंटर का हम ध्यान रखेंगे, दोनों सेंटर हमारे पैच का भी और फ्रंट का भी मिलने चाहिए। और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ में। क्वार्टर इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और गोलाई में हल्के हल्के हम लगा लेंगे कट। तो सभी जगह पे हमने यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लिए हैं और नीचे की साइड गोलाई में भी। अब हम पूरे पैच को यहाँ पे इस तरीके से पलट लेंगे ऐसे, और पलटने के बाद ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा सीधी साइड में इस प्रकार से। इसको हम प्रेस से कर लेंगे अच्छे से सेट और उसके बाद बाहर की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, नेक लाइन हमने अच्छे से प्रेस से सेट कर ली है और पूरा पैच हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, बाहर की साइड सिलाई लगानी है। तो
यहाँ पे बाहर की साइड में हम लगा लेंगे सिलाई ऐसे, जिससे कि हमारा ये पैच भी फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये लेस वाला पॉइंट जो है ये भी अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर से ही हम सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों ऊपर से हमने पैच पे लगा ली है यहाँ पे सिलाई और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा ये डिजाइन तैयार हो जाता है कुर्ते का। आप देख रहे होंगे पूरा रेडीमेड वाला स्टाइल है ये, पूरा जैसे रेडीमेड कुर्तियां बनती हैं वैसे ही हमने यहाँ पे आपको बना करके दिखाया है किस तरीके से इसकी पैच की कटिंग की जाती है, कैसे इसके ऊपर गोटे का काम किया जाता है और कैसे इसके ऊपर लेस का और पिनटेक्स का काम करते हुए हमने ये डिजाइन को आपको रेडी करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।